लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। इंटेरियर डिझाईन, फॅशन डिझाईन आणि टेक्सटाईल डिझाईनचे एज्युकेशन हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आयडीटी एज्युकेशन संस्थेचा दीक्षांत समारंभ आणि डिझाईन समिट 2024 मोठ्या दिमाखात काल बुधवारी संपन्न झाला। या दीक्षांत समारंभ प्रसंगी आयडीएचे संस्थापक आणि सीईओ बतुल अली, एनबीव्हीटीचे संचालक आणि सीईओ ऋषी गुप्ता, शिक्षणतज्ज्ञ अनिल वैष्णव, हरेश भालेराव, कॅड केंद्राचे संचालक मयूर वाघ, भगवान मोरे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मनोहर खैरनार, आयडीटी एज्युकेशनचे सदस्य प्रवीण गायकवाड, त्याचबरोबर आयडीटी एज्युकेशन नाशिक संस्थेचे संस्थापक आणि संचालक महेंद्र शेवाळे, संचालिका स्नेहल शेवाळे आदींच्या उपस्थितीत मोठ्या दिमाखात संपन्न झाला। सर्वप्रथम सर्व मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले, त्यानंतर विद्यार्थ्यांचा दीक्षांत समारंभास प्रारंभ झाला। यावेळी क्रीडा पुरस्कार, स्टुडंट ऑफ द इयर, यशस्वी माजी विद्यार्थी तसेच टॉपर्स विद्यार्थी यांचा सन्मान करण्यात आला। यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेल्या बतुल अली, हरेश भालेराव, अनिल वैष्णव यांनी विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचे कौतुक करत त्यांच्या पुढील भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या। नमस्ते, मेरा नाम बतुल अली है। आई एम दी डायरेक्टर ऑफ इसरो दी मोदा बुर्गो मिलान। एंड टुडे इट्स मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है ये बताने के लिए कि आज मैं यहाँ पे नासिक का कॉन्वोकेशन सेरेमनी में मैं आई हुई हूँ। और ये हमने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है दैट नासिक आईडीटी इज़ द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इसरो दी मोदा बुर्गो मिलान। आज नासिक के बच्चे नासिक में बैठ के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस अवेल कर सकते हैं। वो ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी जो नासिक के स्टूडेंट्स को महेंद्र शिवाले सर के थ्रू बाय आईडीटी नासिक के थ्रू ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आज हमने इवेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, बच्चों ने आज यहाँ पे कॉन्वोकेशन सेरेमनी में सर्टिफिकेट्स लिए, काफ़ी सारा बच्चों ने परफॉर्मेंसेस दिया यहाँ पे, एंड आई रियली इन्जॉयड द इवेंट। और यस, मेरा ये मैसेज है टू नासिक की जनता के लिए कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए भेजिए। जिस तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पे आईजीटी नासिक में महेंद्र सर अपने बच्चों को दे रहे हैं एंड जिस तरीके के बच्चों ने स्टार्टअप्स किए हैं, आज हमने यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे देखे, एलुमनाई देखा आईडीटी का, जो बच्चे ऑलरेडी इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश हो चुके हैं, दे आर वर्किंग इन दिल्ली, मुंबई एंड फ्यू आर वर्किंग इन अब्रॉड ऑल्सो। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ हर बच्चा आके यहाँ पे एक बार ले, बिकॉज दीज आर द ऑप्शन जिससे अपना करियर इस्टेब्लिश बहुत जल्दी कर सकते हैं और अपना इस्टेब्लिश सिर्फ नेशनली नहीं बट इंटरनेशनली भी अपना आपको कर सकते हैं। थैंक यू भालेराव। आय डी टीच्या ह्या कार्यक्रमासाठी मी पुण्याहून ॲज अ स्पेशल गेस्ट म्हणून आलो होतो आणि आय रिअली ॲमेज टू सी द पोटेन्शियल ऑफ ऑल द स्टुडंट्स। ह्या गोष्टीचा मला अभिमान वाटतो आहे की आय डी टी ही नाशिकची संस्था ना वर्किंग हँड्स क्रिएट करते, वर्किंग हँड्स क्रिएट करण्यासोबत क्रिएटिव ब्रेन्स यहाँ पे क्रिएट होता है ना, ये मेरे लिए इंस्पिरेशनल थिंग थी। यहाँ पे मोटिवेशन देने के लिए मैं आया था लेकिन यहाँ से बहुत कुछ लेके मैं पुणे जा रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द आई डी टी स्टूडेंट्स, मिस्टर महेंद्र शिवाले सर एंड हिज एंटायर टीम, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं अनिल वैष्णव उज्जैन से। रिसेंटली आई जॉइन दिस बेस्ट इवेंट एट दिस नासिक प्लेस। मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर ने जो आईडीटी के जो स्टूडेंट्स ने जो काम किया, वर्क किया, रियली इट्स अ ग्रेट फॉर द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। स्पेशली थैंक्स टू महेंद्र सर और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि जितना अच्छे इन्होंने जो इवेंट्स में
और इन्होंने जो मॉडल्स वगैरह बनाए वो बीटेक के बच्चे भी इतना अच्छा नहीं बना सकते हैं जो इन्होंने यहाँ के बच्चों ने किया. रियली ऑल द फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स डिड अ वेरी गुड जॉब. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू नासिक. दरम्यान यावेळी आयआयटीचे संचालक महेंद्र शेवाळे यांनी आलेल्या सर्व मान्यवरांचे आभार मानत विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचे कौतुक केले तसेच आयआयटीच्या पुढील उपक्रमांविषयी माहिती दिली. मी महेंद्र शेवाळे, फाउंडर अँड डायरेक्टर ऑफ आयआयटी एज्युकेशन्स. आज आयआयटी एज्युकेशन्सने विद्यार्थ्यांचे कन्व्होकेशन सेरेमनी, पदवीदान समारंभ, तसेच माजी विद्यार्थ्यांचा अवॉर्ड सोहळा, तसेच आमच्या इथल्या विद्यार्थ्यांचं नवी दिल्ली ते फॅशन शोमध्ये काही विद्यार्थ्यांनी कामगिरी केल्यामुळे त्यांचंही बक्षीस वितरण इथं करण्यात आलेलं आहे. आज या कार्यक्रमासाठी अभिमानाची बाब म्हणजे आपल्या नाशिक जिल्ह्यात भारतभरातून वेगवेगळ्या क्षेत्रातले मोठे मुख्य अतिथी आपल्याला लाभले, ज्यात लखनौ शहराहून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली अशा ठिकाणून वेगवेगळे अतिथी आपल्या या कार्यक्रमासाठी आले व त्यांनी आपल्या नाशिक मधील विद्यार्थ्यांचा म्हणजेच आयआयटी नाशिकच्या फॅशन डिझायनिंग, इंटेरियर डिझायनिंग क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचा आज त्यांच्या हाताने सन्मान केला. त्याबद्दल ते आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं मी आभार व्यक्त करतो, सर्व विद्यार्थ्यांचा आभार व्यक्त करतो, शिक्षकांचा आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. आयआयटी एज्युकेशनच्या विद्यार्थ्यांचा दीक्षांत सोहळ्याप्रसंगी तसेच डिझाईन समिट 2024 शैक्षणिक उपक्रमाप्रसंगी शिक्षण संस्थेतील सर्व आजी माजी विद्यार्थी तसेच त्यांचे पालक यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. संजय परमार, नाशिक न्यूज, नाशिक.